रोहित मोबाइल, मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। अगर मेरे से कोई दो शब्द अगर गलती से निकल भी गए हों, वैसे तो मैंने कोई गलत बात नहीं कहा, निकल भी गए हों, तो मैंने क्षमा याचना मांगी, मुझे क्षमा नहीं किया गया। एक हमारे धीरेन्द्र सिंह जी हैं, व्यास गद्दी के कथावाचक हैं, बहुत बड़े निपुण और बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं। तो प्रीतम लोधी जिसे मेरे सामने मिल गया उसको मसल दूंगा, उसकी टहरी बांध दूंगा, प्रीतम लोधी को मैं मरवा के फिकवा दूंगा। आप ये देखिए माइक से बोल रहा है और बार बार कहीं नकता कह रहा है, कहीं कोई बात कर रहा है, आप सब तू बोल लिया है। बीते दिनों भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसकी काफी आलोचना हुई, धरना प्रदर्शन भी हुए और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इसकी घोर निंदा करते हुए निशाना साधा था। वहीं अब एमपी के शिवपुरी में प्रीतम लोधी ने बागेश्वर धाम के महंत पर पलटवार करते हुए कहा कि धमकी देने वाले बाबा को लोग पूज रहे हैं और उन पर पुलिस कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही है। दरअसल शिवपुरी के पिछोर में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने, जहां उमा भारती के खासम खास और पिछोर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे नेता प्रीतम लोधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में प्रीतम लोधी ने पिछोर में एक विशाल रैली को निकाला और लोधी समाज के लोगों ने उनका सपोर्ट करते हुए नारेबाजी की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का पुतला भी फूंका। प्रीतम लोधी ने बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि उन्होंने अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी थी तो इसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी मांगी थी, लेकिन बागेश्वर धाम ने व्यास गद्दी से उन्हें जान से मारने की धमकी दी, उन्हें अब शब्द भी कहे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मार दिया जाए या कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही बोले कि अगर कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। अगर मेरे से कोई दो शब्द अगर गलती से निकल भी गए हों, वैसे तो मैंने कोई गलत बात नहीं कहा, निकल भी गए हों, तो मैंने क्षमा याचना मांगी, मुझे क्षमा नहीं किया गया। इस क्षमा के बदले में उनने क्या दिया? एक हमारे धीरेन्द्र सिंह जी हैं, व्यास गद्दी के कथावाचक हैं, जो बहुत बड़े निपुण और बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, मंच की गद्दी से क्या बोलते हैं कि प्रीतम लोधी जिसे मेरे सामने मिल गया उसको मसल दूंगा, उसकी टहरी बांध दूंगा, प्रीतम लोधी को मैं मरवा के फिकवा दूंगा। आप ये देखिए माइक से बोल रहा है और बार बार कहीं नकता कह रहा है, कहीं कोई बात कर रहा है, आप सब तो बोल रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप सब तो बोल रहा है, और फिर उसके बाद में कहता है कि उसको मार दो, पूरे देश की समाज को कहता है उसको मार दो, और नहीं मार पाओ तो फिर आप चूड़ियाँ पहन के घरों में बैठ जाओ। तो कितना बड़ा शब्द है ये, मान के चलिए किसी के दिमाग पे आ गई तो प्रीतम लोधी को मार दिया तो ये देश में बंटवारे का काम करेगा, खाई बनाएगा कि प्रेम की बात करेगा कोई व्यक्ति। मैं ही पूछना सरकार से जाता हूँ कि अब तक सरकार चुप क्यों है, सरकार अभी तक चुप क्यों है? जब इतनी बड़ी बात बोल दी और उस पर एफआईआर नहीं हुई है, अगर मेरी हत्या हो गई तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, अगर हत्या हो गई, अगर उधम दंगा हुए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, और आप अगर सुरक्षा नहीं देते हो तो कोई घटना घटती है तो सरकारें जिम्मेदार होंगी। वहीं पुलिस और प्रशासन के कार्यवाही न करने के सवाल पर बोले कि ऐसे में वो विधानसभा का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। ब्राह्मण समाज के लोगों ने जगह जगह ज्ञापन देकर प्रीतम लोधी पर एफआईआर की भी मांग की थी। वहीं अब प्रीतम लोधी का ये बयान सामने आया है। हमारे लोगों ने जो भी बवालों पर टिप्पणी की थी उनको सब तक कह सके, और जितनी भी लोगों ने टिप्पणी की, गाली दी, उन पर अभी तक एक भी केस नहीं है, कहीं से कहीं कोई नहीं लगाया। आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं कि आप उससे अछूते हो, आप सबको मालूम है किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस ने कहा है कार्रवाई, पुलिस ने आश्वासन दिया है भाई, सब कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया, कार्रवाई करेंगे, क्या टाइम दिया है, कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई
पुलिस द्वारा कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? वो पार करूंगा मैं विधानसभा का। तो आप पार्टी बदल रहे हैं क्या भाई साहब? नहीं, जो पार्टी को ये निष्कासित किया है मुझे। हाँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या अन्ना हजारे जी ने पार्टी रखी थी? अन्ना हजारे जी ने काम किया था, बाल ठाकरे जी ने किया था, तो पीतम प्यारे क्यों नहीं कर सकता भैया? पीतम प्यारे भी निस्वार्थ भाव से जितने भी अन्याय होंगे मध्य प्रदेश के। राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल, मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर, बजाज एवं एचडीवी से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं, मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, एयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959, 8818815881।